नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से या मुगल साम्राज्य के विघटन से? कब से माना जाए इस आधुनिक भारत के पीरियड को? ठीक है, तो आधुनिक भारत का जो पीरियड है वह शुरुआत होता है मुगल साम्राज्य के विघटन से, ठीक है? और देश की आजादी तक आधुनिक भारत का इतिहास चलता है, अर्थात 1947 तक। अब मुगल साम्राज्य का विघटन कब होता है? तो मुगल साम्राज्य का विघटन औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही स्टार्ट होता है, ठीक है? तो अगर आधुनिक भारत की बात किया जाए तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 से लेकर 1947 तक माना जाता है। ये रहा आधुनिक भारत, ठीक है? लेकिन मुगल साम्राज्य का जो विघटन है, डाउनफॉल ऑफ मुगल, ये कब शुरुआत होता है? तो यह शुरुआत होता है औरंगजेब की मृत्यु के साथ और चलते चलते 1857 तक होता है। और 1857 में बहादुर शाह जफर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ही पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक है? क्योंकि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित किया जाता है, लेकिन इस बहादुर शाह जफर को हडसन द्वारा हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और 1 नवंबर 1858 को जो महारानी का घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र के द्वारा मुगल साम्राज्य को समाप्त कर भारत पर महारानी अर्थात ब्रिटेन का शासन थोप दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन, ठीक है? अगर मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में बात किया जाए तो आप देखेंगे कि जो औरंगजेब है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट है, ठीक है? आपसे पूछेगा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो आप बताएंगे कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब था। लेकिन सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो मुगल सम्राट था वो रफी उद दराज था। कौन था? कम समय तक रफी उद दराज, ठीक है? रफी उद दराज था। अब बात करते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई। औरंगजेब, ठीक है, 1707 में अहमदनगर में था और ये अहमदनगर वर्तमान के महाराष्ट्र में है। इसी अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो गई। कितने तारीख को? 3 मार्च 1707 को। और यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। जब इसकी मृत्यु होती है तब इसके 3 पुत्र जीवित रहते हैं, ठीक है? और इन 3 पुत्रों में इनका नाम है मुअज्जम, आजम और कामबख्श। काम बक्स, ठीक है? 3 पुत्र होते हैं। वास्तव में इसके तो 5 पुत्र रहते हैं, औरंगजेब के 5 पुत्र होते हैं। इन 5 पुत्रों में 2 पुत्र मुहम्मद अकबर और मुहम्मद सुल्तान की मृत्यु ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी। और ये दोनों औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद अकबर और मुहम्मद सुल्तान औरंगजेब के नीतियों से बहुत ही ज्यादा, अगर कहा जाए तो, उसके खिलाफ रहते थे,
ठीक है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय इसका बड़ा पुत्र मुअज्जम अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर था। ठीक है। जब मुअज्जम को सूचना मिलती है तो मुअज्जम वहां से दिल्ली अर्थात आगरे के लिए चल देता है। कहां से? जमरूद जो अफगानिस्तान में है वहां से मुहम्मद दिल्ली के लिए चल देगा और रास्ते में ही लाहौर के निकट या क्या करेगा, बहादुर शाह प्रथम, किसके नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम क्या होगा, मुगल सत्ता पर बैठ जाएगा या अपने आप को बादशाह घोषित कर देगा। आजम मुअज्जम अगर कहा जाए तो अफगानिस्तान का सूबेदार था। ठीक है। आजम गुजरात का सूबेदार था। ये जो था मुअज्जम ये कहाँ का सूबेदार था? तो ये अफगानिस्तान का। मुअज्जम अफगानिस्तान का, आजम कहाँ का? गुजरात का। ठीक है। और कामबख्श बीजापुर कहाँ का था? बीजापुर का सूबेदार था। अब आप ये कहेंगे कि ये सूबेदार क्या होते हैं? ठीक है। तो कहा जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के समय लगभग लगभग 21 सूबे थे और उस एक सूबे को प्रांत कहा जाता है। प्रांत का मतलब हो गया राज्य। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 29 थे ना, अब 28 हो गए हैं। तो उसी प्रकार इनके कितने सूबे थे अर्थात राज्य थे अर्थात प्रांत थे? 21 प्रांत थे। ठीक है। अब इन 21 प्रांतों में से एक प्रांत था जो सूबा जिसे हम कहते हैं अफगानिस्तान में, जहां पर आपको पता है मुअज्जम शासन करता था, सूबेदार था। सूबेदार का मतलब आप पूछेंगे कि सर सूबेदार का मतलब क्या होता है? तो सूबेदार का जो मतलब होता है, वर्तमान में आप राज्यपाल समझते हैं ना, तो सूबेदार वर्तमान के राज्यपाल जैसा था। ठीक है। अब 14 सूबे जो थे ये उत्तर भारत में थे, 14 एक 15, और 6 सूबे दक्षिण भारत में थे, 21 सूबे हो गए। इस दक्षिण भारत में एक सूबा बीजापुर था, एक औरंगाबाद सूबा था, एक बरार सूबा, एक तेलंगाना जो अब पता है आपको तेलंगाना, एक गोलकुंडा जिसे हम कहते हैं हैदराबाद, ठीक है, और एक सूबा खानदेश था। क्लियर। अब देखिए मुगल साम्राज्य की एक नीति बन गई थी कि एक राजा मरेगा तो जो उसके पुत्र होंगे वो उत्तराधिकार के युद्ध में लगेंगे। ठीक है। तो औरंगजेब के जो ये तीन पुत्र थे, मुअज्जम आजम और कामबख्श, ये उत्तराधिकार के युद्ध में आपस में लड़े। ठीक है। अब क्या होता है कि जो आजम था जो गुजरात का सूबेदार था, उसको जब सूचना मिलती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वह गुजरात से अहमदनगर की तरफ बढ़ जाता है और अहमदनगर पहुंच जाता है। ठीक है। लेकिन वो उधर अहमदनगर पहुंचता है तभी यह बहादुर शाह के नाम से, ठीक है, कौन? मुअज्जम आ जाता है दिल्ली अर्थात आगरे में। और आगरे में 1707 में ही एक जजायु का युद्ध होता है। ठीक है। किसके किसके बीच? तो मुअज्जम और आजम के बीच जजायु का युद्ध 1707 में, मुअज्जम और आजम के बीच 18 जून 1707 को होता है। ठीक है। यह जो जजायु का युद्ध है यह आगरा में ही एक जगह है सामूगढ़, उस सामूगढ़ के पास ही एक जगह है जजायु, उस जजायु पर युद्ध होता है। अब इस युद्ध में असद खां, ठीक है, यह औरंगजेब का वजीर था। वजीर मतलब पीएम। ठीक है। असद खां औरंगजेब का वजीर था। इस वजीर ने क्या किया? आजम का साथ दिया। ठीक है। लेकिन लेकिन मुअज्जम क्या करेगा? आजम और उनके दो पुत्रों को मार देगा। ठीक है। यानी मुअज्जम ही आजम की हत्या करता है और उनके दो पुत्रों की भी हत्या करता है। कब? 1707 में जजायु युद्ध में। यहां से आजम
कहानी खत्म हो जाती है। अब आजम के बाद, ठीक है, आजम के बाद अब दूसरा आता है बीजापुर का जो शासक होता है, यानी अब बीजापुर का युद्ध होगा और ये युद्ध 2 साल बाद होगा, लगभग लगभग जनवरी 1709 में, किसके बीच? मुअज्जम और कामबख्श, बहादुर शाह के बड़े बेटे और बहादुर शाह के सॉरी औरंगजेब के बड़े बेटे मुअज्जम और छोटे बेटे कामबख्श के बीच। और इसमें भी कामबख्श क्या होगा? मारा जाएगा। अब मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, और इसका जो शासन काल होता है यह 1707 से 1712 तक, यानी 5 साल तक मुअज्जम का शासन काल होता है और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठेगा। यह सबसे अधिक उम्र में मुगल सम्राट का शासक बनता है और 63 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट का शासक बनता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे कम उम्र में मुगल सम्राट का शासक बनने वाला कौन था? अकबर था, लगभग लगभग 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। और सबसे अधिक उम्र की आयु में मुगल सम्राट का शासक बनने वाला कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम, कितने वर्ष की आयु में? 63 वर्ष की आयु में। अब फाइनली बहादुर शाह जो प्रथम था वो 63 साल का था, तो एक बुढ़ा ही हुआ ना, तो इस कारण इसे बुढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। और इसे किसने बुढ़ा बादशाह कहा? तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है खफी खां। खफी खां ने क्या किया, बहादुर शाह को दो उपाधियां दी, एक उपाधि दी साहेब बेखबर की और एक उपाधि दी बुढ़ा बादशाह की। किसने दिया था? खफी खां ने। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको आगे देखिए, अब देखिए जो बहादुर शाह था या औरंगजेब की पत्नी, भाई औरंगजेब का ही पुत्र था ना, तो औरंगजेब की पुत्नी नवाबबाई का पुत्र था। किनका पुत्र था? नवाबबाई का। वास्तव में इसने क्या किया, जो औरंगजेब की एक कट्टरता वाली नीति थी ना, उस नीति को इसने त्यागा और इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। और साथ ही साथ इसने क्या किया, जो औरंगजेब द्वारा जजिया कर लागू कर दिया गया था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था, इस जजिया कर को इसने भी, बहादुर शाह ने भी क्या किया, समाप्त कर दिया। वास्तव में जजिया कर क्या होता है, किसे कहते हैं जजिया कर? तो कहा जाता है कि जो अगर गैर मुसलमानों से कोई धार्मिक कर वसूला जाए, ठीक है, अगर गैर मुसलमानों से कोई धार्मिक कर वसूला जाए उसे ही जजिया कर कहा जाता है। वास्तव में अगर बात किया जाए तो जजिया कर सबसे पहले यहूदियों द्वारा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आता है, इसको सीक्वेंस बैठाने के लिए आता है। सबसे पहले जजिया कर यहूदियों द्वारा, उसके बाद ईसाइयों द्वारा, और भारत में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा हिंदुओं पर लागू किया गया, ठीक है। आपको मैं पता है, पढ़ाया था ना सिंध पर अरबों का आक्रमण, जब मुहम्मद बिन कासिम आता है और 1712 में मुहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत में अर्थात भारत में पहली बार 1712 में जजिया कर प्रारंभ होता है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम सबसे बड़ा काम यह करता है कि यह जजिया जो कर था, जिसे हम धार्मिक टैक्स भी कहते हैं, गैर मुसलमानों पे लगता था, इस कर को इसने क्या किया, असहाय व्यक्तियों, जैसे कोई व्यक्ति अगर लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, उनसे यह कर नहीं लेता था। और साथ ही साथ मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर भी यह कर नहीं लगाया था। जजिया जो कर था वो असहाय व्यक्तियों से नहीं वसूलता था और ब्राह्मणों से भी जजिया कर नहीं वसूलता था, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि तुगलक वंश का जो तीसरा शासक था, तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक, बहुत बार आता है, फिरोज शाह तुगलक जो था ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, यह प्रश्न आता है, तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन कहा जाए कि अगर भारत पर जजिया कर किसने लगाया था, तो मुहम्मद बिन कासिम द्वारा 1712 में सिंध प्रांत पर लगाया गया था। और यह जो जजिया कर था मुहम्मद बिन कासिम द्वारा जो लगाया गया था, यह लंगड़े लूले अंधे यानी जो असहाय व्यक्ति हैं और ब्राह्मणों पर नहीं लगा था। फिर ये जजिया कर आगे बढ़ता है, फिर पता चलता है कि मुगल वंश आएगा।
लेकिन मुगल वंश में जो अकबर होता है, अकबर इस जजिया कर को 1564 में समाप्त कर देता है। यह बात आपने कई बार पढ़ा भी होगा और कई बार प्रश्न भी आता है कि कौन जजिया कर समाप्त किया, ठीक है, भारत में, यानी जजिया कर पुनः आ रहा है तो ये अकबर समाप्त करता है। लेकिन औरंगजेब की नीति आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं। औरंगजेब ने क्या किया, 1764 में पुनः इस जजिया कर को प्रारंभ कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने एक जो अगर उसके कहा जाए राज्य था, जो मेवाड़ था, प्रांत था जिसे सूबा कहते हैं, वहां पर इसने जजिया कर नहीं लगाया था, ठीक है। तो आपसे कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि औरंगजेब ने किस प्रांत को छोड़कर जजिया कर लगाया था, तो मेवाड़ को, ठीक है। अब अभी आपने देखा कि बहादुर शाह जो प्रथम था उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन फर्रुख सियर, ठीक है, फर्रुख सियर जिसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, फर्रुख सियर ने क्या किया, इस जजिया कर को फिर चालू किया और फिर समाप्त किया। यानी चालू करने वाला और समाप्त करने वाला कौन सा मुगल सम्राट है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जजिया कर को चालू करने वाला और समाप्त करने वाले मुगल सम्राट कौन है, तो वो है फर्रुख सियर, ठीक है। अब देखिए, अब आएंगे हम तीसरे भाग पे, तो तीसरे भाग बोल रहा हूँ, अरे नो सॉरी। अब देखिए, बहादुर शाह जो प्रथम था, ठीक है, इसने क्या किया, शिवाजी के पौत्र थे साहू, ठीक है, शिवाजी के पौत्र मतलब ग्रैंडसन होता है, उन जो ग्रैंडसन को ये रिलीज कर देता है 1707 में। और एक्चुअली ग्रैंडसन को ये 1707 में रिलीज करता है, लेकिन शिवाजी के जो ग्रैंडसन साहू हैं इनको 1689 1689 में औरंगजेब द्वारा मुगल कैद में रखा जाता है। यानी साहू मुगल कैद में लगभग लगभग 18 साल तक रहते हैं। इनको क्या करता है, बहादुर शाह प्रथम छोड़ देता है साहू को, साहू चले जाते हैं और अपने राज्य में। इसके छोड़ने का भी नीति ये था कि वहां पे जाए और ताराबाई रहती हैं, उनसे इनकी युद्ध होती है, ठीक है, तो कि ऐसा ये हो कि मराठा साम्राज्य क्या करे ना, आपसी गृह युद्ध में लग जाए, जिससे मैं क्या करूं अपने साम्राज्य को विकसित करूं, ठीक है। अब इसने क्या किया, मराठों को अधिकार दे देता है सरदेशमुखी वसूलने का, और लेकिन उनको चौथ का अधिकार नहीं देता है, सरदेशमुखी का अधिकार देता है, चौथ का अधिकार नहीं देता, और ना ही साहू को या मराठा राजा मानता है, मराठा राजा भी नहीं मानता है, एक ही अधिकार देता है सरदेशमुखी। अब क्या है सरदेशमुखी, जरा देखिएगा, सरदेशमुखी कहते हैं कि मराठा ये कर पड़ोसी राज्य से वसूलते थे। अगर मराठा अपने पड़ोसी राज्य से कर वसूलते थे और वे कर इस आधार पर वसूलते थे कि वो पड़ोसी राज्य पर अपना अधिकार जमाते थे, इसका मतलब वो अगर किसी पड़ोसी राज्य से अगर कोई कर लेते थे मराठा शासक, तो इसका मतलब वो पड़ोसी राज्य उनके अधीन है, उनके नियंत्रण में है, ठीक है। तो वो जो कर पर अगर कोई पड़ोसी राज्य मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में कोई कर दे रहा है, उस कर को सरदेशमुखी कहा जाता था। सरदेशमुखी जो कर था ये भूमि कर का 1/10 यानी 10% हुआ करता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चौथ क्या है, कहते हैं कि मराठा साम्राज्य क्या करता था, पड़ोसी राज्य को यह कहता था कि मैं आपसे कर लूंगा जिस कर का नाम होगा चौथ, और ये कर मैं आपको अगर आपसे ले रहा हूं, पड़ोसी राज्य से कहता था, अगर मैं आपसे ले रहा हूं तो आपको की राज्य की रक्षा लूटपाट और आक्रमण से करूंगा। इसका मतलब है कि ये लूटपाट आक्रमण से रक्षा नहीं करेंगे, हम खुद लूटपाट और आक्रमण आप पर नहीं करेंगे अगर तुम मुझे चौथ दोगे। जैसे फिल्मों में हफ्ता वसूली नहीं होती थी भाई, आते थे गुंडे हफ्ते वसूलते थे, वैसे ही समझ लो कि मराठा साम्राज्य में ये चौथ भी हफ्ता ही था, ठीक है। और चौथ का जो नामांकरण किया गया था वो इस कारण किया गया था क्योंकि ये उस राज्य का 1/4 ये टैक्स लिया करते थे, ठीक है, मराठा साम्राज्य उस राज्य का 1/4 कर लिया करते थे, उसे ही चौथ कहते हैं। अब देखिए आगे बात करें तो बहादुर शाह ने क्या किया था, जो बहादुर शाह प्रथम था, बुंदेल सरदार छत्रसाल, बुंदेल के जो सरदार हैं छत्रसाल उनसे और जाट शासक चूड़ा मंत्र से
मेल मिलाप की नीति अपना ली, यानी इनसे दोस्ती कर ली। लेकिन जो बंदा बहादुर है ना, बंदा बहादुर, आपको पता है कि बंदा बहादुर इनकी नीति मतलब मुगल साम्राज्य से दोस्ती नहीं की, तो चूड़ामन ने बहादुर शाह को इस बंदा बहादुर के को बंदा बहादुर के लिए बहादुर शाह प्रथम को चूड़ामन ने क्या किया था, साथ दिया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे बंदा बहादुर के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। अब देखिए जो वर्तमान में राजस्थान है ना, राजस्थान में दो राज हुआ करते थे जिसे हम राजपूत राज कहते थे, दो राज जो वर्तमान राजस्थान है। एक राज्य का नाम है मारवाड़ जिसे वर्तमान में जोधपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर, और आमेर जिसे हम वर्तमान में जयपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो मारवाड़ और आमेर, जोधपुर और जयपुर जो है, ये औरंगजेब के समय या मुगल साम्राज्य की जो मुगल सत्ता थी उसकी अधीनता स्वीकार किए थे। लेकिन उसके मरते ही मारवाड़ और आमेर, मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह और आमेर के राजा थे सवाई जय सिंह, वो क्या करते हैं, इसकी अधीनता त्याग देते हैं। अब जब अधीनता त्यागेंगे इसका मतलब वो विद्रोह करती है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह प्रथम चलता है राजस्थान की तरफ, और राजस्थान में जब पहुंचता है आमेर में, ठीक है, जो जयपुर है, वहां पर सवाई जय सिंह और उनके भाई विजय सिंह के बीच एक राज सिंहासन के लिए एक कहा जाए तो एक प्रकार से कलह चल रहा था। अब ये क्या करता है, वो पहुंचता है बहादुर शाह प्रथम, और क्या करता है, सवाई जय सिंह को गद्दी से हटाकर विजय सिंह को गद्दी पर बैठा देता है, और फिर ये मारवाड़ की तरफ जाता है और मारवाड़ में जाकर अजीत सिंह को युद्ध में पराजित कर देता है, और अजीत सिंह पुनः क्या करते हैं, मुगल सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर ये दक्षिण की तरफ निकल जाता है। अब क्या होता है, देखिए बंदा बहादुर के बारे में बोले थे ना, अब बंदा बहादुर क्या करता है, 1710 में, 1710 में बंदा बहादुर पंजाब के सरहिंद पर आक्रमण कर देता है और सरहिंद पर अधिकार भी कर लेता है, और इसी सरहिंद पर 1710 में बंदा बहादुर सिख के पहले गुरु और दसवें गुरु यानी गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाता है। अब क्या होता है, 1712 में अब बंदा बहादुर पंजाब के लोहगढ़ में, सॉरी बहादुर शाह प्रथम पंजाब के लोहगढ़ में बंदा बहादुर को पराजित कर देता है और चूड़ामन के सहयोग से। ठीक है, लेकिन इसी अभियान के दौरान इसी लोहगढ़ में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके चार पुत्र, और वही कहानी, फिर क्या होगा, मुगल साम्राज्य गृह युद्ध में फंस जाएगा, और इसके चार पुत्र होते हैं और चारों पुत्र क्या करते हैं, आपस में युद्ध लड़ते हैं, और इस युद्ध इनके जो चार पुत्र होते हैं, एक का नाम है जहादार शाह, एक का नाम है अजीज उज शान, रफी उज शान और जहान शान। जहादार शाह ईरानी गुट के नेता होते हैं जुल्फिकार शाह, जुल्फिकार खां, उनके सहयोग से जहादार शाह गद्दी पर बैठता है और अपने तीनों भाइयों को मार देता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे जहादार शाह के बारे में। अब क्या होता है, अब एक इतिहासकार है ओवन सिडनी, कौन है, ओवन सिडनी, ठीक है ना, ओवन मत समझ लेना वो खाना गर्म करने वाला, ओवन सिडनी बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहते हैं, मतलब उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि यह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसका मतलब अब इसके बाद जितने भी शासक आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, निकम्मे आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास फिर मैं मिलता हूँ। ठीक है।